सजी ये के पंगा काम सुना होगा बहुत अच्छे और किशन सिंह सरदार रहे थे किस्सा तमाम सुना होगा किस्सा तमाम सुना पूरी टीम के साथ यहां पर पहुंचे हैं। तालियां बजाकर के स्वागत करिएगा। 500 रुपए का पुरस्कार भिजवाया है, धन्यवाद करते हैं। हमारे युवा साथी हैं भाई नवीन जी, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे बहुत ही आदरणीय हर्ष रूप डागर साहब पंडवाला से, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर भिजवाया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। हाँ Oh!
पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। थे पढ़े लिखे तालीम जानते, घर में खूब गुजारा था। आपकी ताली चाहूंगा आगे वाली लाइन पे, कितनी सुंदर लिखी, पढ़े लिखे तालीम जानते, घर में खूब गुजारा था। जीव भगत सिंह ने, जीव भगत सिंह ने जन्म लिया, उका बाप जेल में जा रहा था, उका बाप जेल में जा रहा था। मेरे मेहरबानों, 6 साल की आयु थी भगत सिंह की, एक घटना घट जाती है, या घटना अपने दादा को आकर के भगत सिंह ने बताई, रे दादा मेरे साथ इसी से ढाल हुआ है। साथियों, 6-7 साल की उम्र में दादा अर्जुन सिंह ने यज्ञोपवीत संस्कार भगत सिंह का करवाया, और उस यज्ञोपवीत संस्कार पे हवन की वेदी पर बैठ करके कसम उठाई थी। क्या सुनिएगा भला, गत में भरी क्या, सर सिंह सर।
हैं सरदारों, प्रधान जी, कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह नास्तिक था। नौजवान पीढ़ी आजकल यूट्यूब ज्यादा यूज करती है, यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है अक भगत सिंह नास्तिक था। नास्तिक का मतलब परमात्मा को नहीं मानने वाला। पर सरदारों, इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा नहीं है। अब आप कहोगे कि आप किस आधार पर कह सकते हो, तो मेरे पास तर्क है, मेरे पास प्रमाण है इस बात का, और प्रमाण मेरा यह है, आप तो सभी जानते हो क्रांति की ज्वाला भड़काने वाला इस देश में एक ऋषि पैदा हुआ था जिसका नाम था ऋषि दयानंद सरस्वती, जिसने कहा था, अरे नौजवानों, जब तक हवन की वेदी पर, भारत माता की वेदी पर अपना गरम गरम लहू नहीं चढ़ाओगे, तब तक यो अंग्रेज भागने वाले इस देश से नहीं। सबसे पहला शिष्य बना था सरदार अर्जुन सिंह सिख समुदाय के अंदर महर्षि दयानंद का। और जब दादा तक जाकर के भगत सिंह ने यो बात कही कि अंग्रेजों ने थप्पड़ मारा है, और दादा यो थप्पड़ में सहन नहीं कर सकता, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन भारत को गुलाम देखना नहीं चाहता, उसी समय यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। और यज्ञोपवीत संस्कार करके अपने दोनों पोतों का, भगत सिंह और उसके भाई का, और हवन की वेदी पे खड़ा होकर के सरदार अर्जुन सिंह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं आज और आज के बाद अपने दोनों पोतों को भारत माता के हवाले करता हूं, अब ये मेरे नहीं भारत माता के हो चुके हैं। इसी वचन के कारण लोग कहते हैं भगत सिंह नास्तिक था, नहीं, परमात्मा को मानने वाला था पर निराकार परमात्मा को मानता था। और वो कहता था कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारा साथी नहीं बन सकता। आइए साथियों, उस महापुरुष के लिए चौथी कड़ी में खेल लिखा वाला और 500 रुपए आदरणीय कृष्ण जी सागवान साहब बड़सरा हमारी टीम के लिए 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। बहनी के लिए भी जोरदार ताली, जोरदार ताली। जोरदार ताली, जोरदार ताली।
सोनू टेक कैसेट।